जगासहित देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. मागील 6 महिन्यांपासून कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याच्या भीतीने देशातील व्यवहार पूर्णतः ठप्प झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने विविध व्यवहार टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे आदेश निर्गमित केले, परंतु नुकतेच अनलॉक 5 ची घोषणा करण्यात आली आहे. संस्कृती प्रधान देशातील नागरिकांनी मंदिर, मस्जिद, विहार सुरू होतील अशी आशा व्यक्त केली होती, परंतु हॉटेल, ट्रेन, बार सहित काही व्यावहारिक गोष्टींना झुकते माप देऊन देशातील व्यवहार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला गेला असला तरी असंख्य विविध जाती धर्माचे आस्थास्थान असलेले मंदिर, मस्जिद आणि विहार सुरू करण्यास नकार दिल्याने भाविकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. की ओर से सरकार ने इतना कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो बार, होटल्स, रेस्टोरेंट चालू किए हैं उस हिसाब से मंदिरों को भी चालू करना चाहिए. मंदिरों में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का सभी तरह से पालन हो सकता है. जब तुम मदिरा चालू कर रहे हो वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, साथ में जाम टकराते हैं. मंदिर में लोग अपनी भावना को लेकर आते हैं, भगवान के आगे अपना सर झुका के जो भी उनके मन में रहती है श्रद्धा वो वहाँ व्यक्त करते हैं और उसको उस श्रद्धा का फल मिलता है. तो ये सबसे अच्छी जगह का है, पवित्र स्थान है. इसकी गरिमा रखते हुए उन्होंने सारे मंदिर को खोल देना चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, वर्धा.